डॉक्टर एस शरण टेस्टिंग सेंटर की ओर से जेएससीए स्टेडियम में जेएससीए के सदस्यों के लिए मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। स्टेडियम परिसर में आयोजित इस हेल्थ चेकअप कैंप में खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कैंप में बीपी, शुगर, ऑक्सीजन सेचुरेशन के अलावा ईएनटी, जनरल फिजिशियन, पोस्ट कोविड स्टेटस और आँखों की जाँच की व्यवस्था की गई थी। मौके पर एस शरण टेस्टिंग सेंटर की संचालक डॉक्टर शिप्रा शरण ने कहा कि जेएससीए के पदाधिकारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी पहल की गई है। तो मैं जेएससीए का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मिस्टर अमिताभ चौधरी जी, मिस्टर अजय नाथ शाहदेव जी, उनको कोई इंट्रोडक्शन तो नहीं चाहिए। वो लोग तो खुद ही पायनियर्स हैं, वो रांची को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखे गए हैं और हम लोगों ने थोड़ा सा हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है मेम्बर्स के लिए और एसोसिएशन के लिए। हम लोग ने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें कि बेसिक हेल्थ चेकअप से लेके स्पेशलिस्ट जैसे ENT, डेंटल, ऑप्थाल्म एंड पल्मोनोलॉजिस्ट बहुत लोग आए हैं। डॉक्टर निश्चित, डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट जो थे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर नितिन, ही इज़ द कोऑर्डिनेटर, ही डिड एवरीथिंग। एंड हम लोग अपनी तरफ से जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो ये छोटी सी कोशिश है। वहीं जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि स्टेडियम में आयोजित इस हेल्थ चेकअप कैंप से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। तो एक शुरुआत है जो कि डॉक्टर एस शरण सेंटर के द्वारा यहाँ जो किया गया है। हम लोग इनफैक्ट जेएससीए की तरफ से हम लोग उनका धन्यवाद भी देते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी इलैबोरेट तरीके से यहाँ पे सभी तरह के जांच किए। ना केवल उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए जांच के लिए, बल्कि आई टेस्टिंग भी हो रहा है, डेंटल चेकअप भी हो रहा है, जनरल फिजिशियन भी यहाँ आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने सेवा जेएससीए को दी है ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आज हम लोग जितना चेकअप यहाँ अवेलेबल है, जो जो हमको लगता है जिसमें हमको जानना चाहिए, जिसके विषय में, डेंटल के पास हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको डेंटल कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू है भी नहीं, बट बाकी ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हमको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आदमी इस मामले में काफ़ी ढिलाई बरतते हैं और नहीं जाते हैं चेकअप के लिए। यहाँ सब चीज़ सामने अवेलेबल है और संजोग से हम लोग अंपायरिंग करने भी आए हुए थे, ये मौका मिला। और जिससे इस तरह का चीज़ बराबर आयोजित करते रहता है, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ और ये लोगों के लिए होते रहता है। तो यह बहुत अच्छा एक मौका है जब जिससे आयोजित किया, हम लोग भी इसमें आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग बाकी जो चेकअप है, जैसे आँख का भी जाँच हमको कराना बाकी है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हमको लगता है। 2 साल पहले हम लास्ट चेकअप कराए थे, अब फिर से चेकअप करा के नया चश्मा फिर बनवा लेंगे, तो फायदा तो फायदा ही। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।